दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। 100 स्कूलों में बम होने की खबर से मची अफरा तफरी। बम स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने स्कूलों की तलाशी ली। वक्त करीब सुबह 5:36 का रहा होगा जब दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में एक वक्त पर एक ईमेल पहुंचता है। लेकिन जब ईमेल पढ़ा गया तो सबके होश उड़ गए। ईमेल में लिखा था कि हमारे हाथों में लोहा है जो दिल को सुकून देता है, हम इन्हें हवा में उड़ाकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम तुम्हारे गर्दन और चेहरे के चीथड़े कर देंगे, अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में भेज देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है, काफिर तुम इसी आग में जलोगे, सब धुआं धुआं हो जाएगा। जिन स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया उनमें द्वारका, वसंत कुंज नोएडा, रोहिणी, ग्रीन वैली नजफगढ़, पीतमपुरा, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, संस्कृति स्कूल, डीएवी साउथ वेस्ट और एमईटी साकेत समेत करीब 100 स्कूलों के नाम शामिल हैं। धमकी भरा ईमेल मिलते ही स्कूल मैनेजमेंट ने भी कोई रिस्क नहीं लिया और तुरंत बच्चों के परिजनों को अलर्ट भेज दिया। जो बच्चे स्कूल पहुंच गए थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया, वहीं जो रास्ते में थे या नहीं आए थे उन्हें आने से मना कर दिया गया। सर कोई पैनिक नहीं था, बहुत पीसफुली सोचा गया प्लान को और आराम से एग्जीक्यूट किया गया और पेरेंट्स ने भी पूरी सपोर्ट किया हमें इस इवैक्यूएशन प्लान में। वेरी सीरियस थिंग एंड इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार हो रहा है ये, इट्स थर्ड टाइम हुआ है ये एंड इट्स अ सीरियस थिंग। हमें आई थिंक हमारे अब AI है, सब कुछ है, काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं चीज़ें, तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये ईमेल्स बार बार कौन भेज रहा है, रादर देन हम अपने पुलिस को जो जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए हम उनको बिजी कर देते हैं एंड देन किड्स आल्सो सफर। देश की राजधानी दिल्ली समेत नोएडा के 100 स्कूलों को मिले ईमेल की खबर के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद स्कूलों में दिल्ली पुलिस की टीम, बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंचाई गई। साथ ही एहतियातन दूसरे स्कूलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हमने अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारे स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं, तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारे चेक कर लिए हैं। कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज ने पुलिस को बताया तो इमिजिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई है, स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है। वहीं स्कूलों में बम की खबर के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट कर अभिभावकों से पैनिक न करने की अपील भी की। स्कूलों को खाली करा लिया गया और दिल्ली पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है, अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ नहीं मिला है। आतिशी ने कहा कि हम अभिभावकों और नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि वो घबराए नहीं। पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो अब तक पुलिस को यही पता लगा है कि धमकी वाला मेल देश के ही किसी हिस्से से स्कूलों को भेजा गया है। पुलिस को शक है कि IP एड्रेस एक है और सर्वर विदेश में हो सकता है, लेकिन अभी भी जांच जारी है। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं, हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगा कर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले साल 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन इस बार 100 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है जो काफी गंभीर मामला है। ऐसा लगता है जैसे अपराधी पुलिस को खुली चुनौती दे रहा हो कि वो किसी से नहीं डरता, इसलिए अब जरूरत है सख्त एक्शन की ताकि फिर से ऐसा करने की कोई हिम्मत ना कर पाए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।